पल के लिए दिव्या ने मांगा इंसाफ। पोस्ट में लिखा, वो खुद का केस लड़ने को है तैयार। पल की मां की हालत का किया जिक्र। पल वी पुरी को एक नाबालिग बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती के मामले में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। प्रोड्यूसर एकता कपूर से लेकर दिव्या खोसला कुमार तक कई बड़े स्टार्स पल का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। हाल ही में दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पल को निर्दोष बताते हुए न्याय की मांग की। दिव्या ने अपने पोस्ट में लिखा, मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं खुद क्यों जज बन रही हूँ पल के केस में, तो चलिए मैं आपको थोड़ा और अपडेट करती हूँ। कुछ महीनों पहले पल के पापा का देहांत हुआ और उनकी मम्मी एक भयंकर बीमारी से गुजर रही है। 5 साल की बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती के आरोप में उसे अरेस्ट किया गया है, जिसके चलते पॉक्सो एक्ट के अंडर इसमें बेल मिलना मुश्किल है। तो अब उसके लिए केस कौन लड़ेगा, उसके लिए लॉयर कौन हायर करेगा? उसकी बीमार मम्मी सीनियर सिटीजन है और वो रो रही है। पल रेडी है खुद का केस लड़ने के लिए और खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए, लेकिन उसे बेल तो दीजिए। वो कहीं भाग नहीं रहा है, लेकिन क्यों उससे उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स छीने जा रही हैं खुद को डिफेंड करने के लिए? वाई दिव्या शुरुआत से ही पल के सपोर्ट में है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस केस का सच जल्द से जल्द सभी के सामने आए। क्या कहना है आपका दिव्या के इस पोस्ट को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।